6 or 7 threes. सिंगुलर प्लूरल नाउन वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब के अंतर को देख रहे थे, कुछ नियमों को देख रहे थे। कल हमने पढ़ा आइदर और आई, तो आइदर और के बाद जो सब्जेक्ट आएगा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल। वैसे ही आइदर और नॉर आए, आइदर और नाइदर नॉर, नाइदर नॉर नकारात्मकता के लिए आता है, आइदर और पॉजिटिविटी के लिए आता है। नाइदर और नॉर आए तो नॉर के बाद के सब्जेक्ट को देखकर नाइदर नॉर आए तो नॉर के बाद के सब्जेक्ट को देखकर क्रिया यानी कि वर्ब लगाएंगे। यानी अगर नाइदर के साथ नॉर आता है, केवल नाइदर आए तो सीधा नियम था सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, लेकिन नाइदर के साथ नॉर आए तो नॉर के बाद सब्जेक्ट देखना है कि एक वचन होगा तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है, बहुवचन होगा तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है, बाकी चीज आइदर और वाली है, उसमें और के बाद आता है, इसमें नॉर के बाद आता है। जैसे नाइदर चेक करना अकेला हो तो सिंगुलर लगेगा, लेकिन नाइदर नॉर हो तो उसका नियम ये है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर स्लीपिंग इन द क्लास ये ना तो ना के लिए प्रयोग किया जाता है नाइदर नॉर का, कि दोनों ही नहीं के उच्चारण में, और आइदर का दोनों के उच्चारण में आइदर और का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य पढ़ेंगे अपने को पढ़ते ही पता लग जाएगा इसमें नाइदर आ रहा है, द स्टूडेंट्स आ रहा है, नॉर आ रहा है, द टीचर आ रहा है, कि ना तो अध्यापक, ना तो विद्यार्थी और ना ही अध्यापक स्लीपिंग इन द क्लास कक्षा में सो रहे थे, यानी कि अध्यापक भी नहीं सो रहे थे और टीचर भी विद्यार्थी भी नहीं सो रहे थे। तो ये नॉर के बाद आपको देखना है एक वचन सब्जेक्ट है टीचर या बहुवचन है, आप कहोगे टीचर कौन सा सब्जेक्ट है, एक वचन है, टीचर्स नहीं है यहाँ पर, एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन क्रिया कौन सी हो गई, वाद हो गई एक वचन क्रिया और वर हो गई बहुवचन क्रिया। तो अपने को एक वचन के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है जो कि वाज है, यहाँ क्या लग जाएगा वाज स्लीपिंग इन द क्लास, तो बन गया नाइदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वाज स्लीपिंग इन द क्लास, नाइदर माय ब्रदर्स नाइदर माय फादर नॉर माय ब्रदर्स गॉन टू जयपुर। बाकी पढ़ोगे आप तो यहाँ आ रहा है नाइदर माय फादर, नॉर आ रहा है माय ब्रदर्स गॉन टू जयपुर, ना तो मेरे पिताजी और ना ही मेरा भाई जो है जयपुर गए, तो नाइदर नॉर आ रहा हो तो वहाँ पर नॉर के बाद क्या आ रहा है उसको देखें, नॉर आया नॉर के बाद माई ब्रदर्स जो है वो एक वचन है एक बहुवचन है, ये बहुवचन करता है, ब्रदर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया वर्ब का प्रयोग करना है, हैज और हैव में से बहुवचन क्या है मैंने बताया था, इज आर है में से आर बहुवचन है, वाज वर में से वर बहुवचन है, हैज हैव में से हैव क्या है बहुवचन है, तो यहाँ पर हैव बहुवचन है इसलिए हैव गॉन टू जयपुर आ जाएगा।
neither my father nor my brothers have gone to Jaipur. ना तो मेरा भाई और ना ही मेरे पिताजी और ना ही मेरे भाइयों में कोई भी जयपुर गया। तो इस प्रकार नाइदर और नॉर के नियम को इस तरह ध्यान रखना है कि नॉर के बाद एक वचन होगा तो एक वचन क्रिया लगानी है और बहुवचन होगा तो बहुवचन क्रिया। जैसे आइदर में आइदर और था, नॉर में नाइदर नॉर है। तो आगे बात, यदि देयर आए तथा देयर के बाद रिक्त स्थान हो तो रिक्त स्थान के बाद जो सब्जेक्ट होगा करता होगा उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण नियम होता है। स्टोरियों में आप देखते हो कभी देर के साथ बाद लग जाता है, कभी देर के साथ वर लग जाता है, कभी देर के साथ ईद लग जाता है, कभी देर के साथ आर लग जाता है। इसका कारण क्या? यदि देर आए आगे, प्रारंभ में यदि देर आए और देर के बाद कोई रिक्त स्थान दिया हो जहाँ पर अपने को वर्ग को भरना हो तो रिक्त स्थान देर को देख कर नहीं लगाएंगे। रिक्त स्थान के बाद जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग करेंगे और बहुवचन हो तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। रिक्त स्थान के बाद को देखना है कि बाद में सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, इसीलिए उसी के अनुसार देर ईद लग जाता है, कभी देर आ लग जाता है। वो देर को देख कर नहीं लगता, रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट को देख कर लगा जाता है। जैसे देयर ए बॉय इन द रूम, ईच और आर। देयर फाइव बुक्स इन द बेड, ईच और आर। तो देर आ रहा है, दोनों में ही देर आ रहा है, रिक्त स्थान के आगे ईद लगाऊं आर लगाऊं कैसे पहचानोगे? तो देर के बाद रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग करना है, बहुवचन है तो बहुवचन का प्रयोग करना है। ये ध्यान रखना, पहले में रिक्त स्थान के बाद एक लड़का है तो एक वचन सब्जेक्ट हो गया, एक वचन क्रिया कौन सी है? इधर में से इधर गई तो देयर इज बॉय बॉय इन द रूम। देयर को देखकर नहीं, रिक्त स्थान को देखकर लगाया है। यहाँ पर भी देयर है देखो, लेकिन यहाँ पर फाइव बुक्स है जो कि बहुवचन है। फाइव बुक्स क्या हो गई? बहुवचन, बहुवचन है तो इधर में से बहुवचन क्रिया लगानी है आज, इसीलिए देर के बाद यहाँ ईद लगाया, यहाँ आर लगाया। इसका कारण देर नहीं है, देर के रिक्त स्थान, रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट को देखना है। जैसे हम लिखते नहीं है वंस देयर वाज ए डॉग, वंस देयर एक बार एक कुत्ता था, क्या लगाओगे? वाज या वर्ड, क्या लगाओगे? वाज या वर्ड। आप कहोगे वंस देयर से पता भी लग रहा है, रिक्त स्थान के बाद एक कुत्ता है, सिंगुलर है, इसलिए वाज लग जाएगा, एक वचन हो गया, वंस देयर वाज ए डॉग। लेकिन इस तरह यही वाक्य इस तरह लिखा हो वंस देयर टू फ्रेंड्स, एक बार दो मित्र थे, इसमें भी वाज वर्ड लगाना है, तब क्या करोगे? देयर को देख कर नहीं लगाओगे। दो मित्र हैं, दो मित्र बहुवचन हो गए यहाँ पर, ए डॉग एक वचन था तो वहाँ वाज लग गया, ये बहुवचन है तो बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा वंस देयर वर टू फ्रेंड, एक बार दो
मित्र थे। तो एक देर को देखकर नहीं, देर के बाद रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट को देखना है, एक वचन है या बहुवचन है। इस प्रकार समझ में आ गया होगा आपके किस तरह नाइदर नॉर गोर और देर के बाद सब्जेक्ट को देखकर क्रिया का प्रयोग करना है।